बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में है। यानी कि हर साल बजट के एक दिन पहले जो है गवर्नमेंट जो है एक बुक प्रिंट करती है जिसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में वो सारी की सारी जो है जो स्टेटिस्टिक्स बताई जाती है इकोनॉमी के बारे में। तो क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स के तालब इलम हैं तो आपको जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई अदादो शुमार क्या है। और फिर ये जो है पीपीएससी का जो है वो टेस्ट होने वाला है, उसमें भी जो है 4-5 नंबर जो है वो ये अदादो शुमार दिए जाती है। और वो सारी की सारी जो डेटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से लिया जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स के तालब इलम का जो है ये डेटा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तैयार होना चाहिए। तो मैंने भी जो है क्योंकि ये टेस्ट भी आने वाला है पीपीएससी का, तो वो जो तालिबे इल्म है जिन्होंने पीपीएससी का टेस्ट देना है मेरे लेक्चर से जो है वो भी जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है ये 2019 और 2020 का जो है वो डाटा जो है वो बताया गया है। तो उसके बारे में जो है ये अदाद शुमार मैंने लिखे हुए हैं, मैं इसके बारे में जो है वो आपको समझा भी देता हूँ। ये खास खास अदाद शुमार लिखे हैं अभी, यानी कि अभी मेरे पास ये जो है वो पेजेस हैं जिसपे इस कुछ अदाद शुमार मैं नहीं लिख सका। यानी कि इंडिकेटर इनको इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं। अगर ये इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है पॉजिटिव हो तो सारी दुनिया जो कहती है कि भी ये मुल्क जो है बहुत अच्छा जा रहा है। अगर ये इंडिकेटर जो है वो नेगेटिव जाए तो फिर सारी दुनिया कहती है कि भाई ये इस मुल्क के अदादो शुमार जो है वो इतने अच्छे नहीं है। फॉर एग्जांपल जो है क्योंकि 2019-20 का साल जो है ये कोविड-19 की वजह से जो है वो हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक हुकूमत नहीं आई थी, ठीक है, तो इसमें हमारा जो GDP है ये -0.4 था। एग्रीकल्चर हमारी बेहतर थी, 2.7 थी। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ -0.5 और कमोडिटी का सेक्टर -0.1 था। सर्विसेज -0.6 था। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 15.4 की थी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 13.8 है, पब्लिक 3.8 है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 थी। इसी तरह जो है नेशनल सेविंग जो है 13.9 थी, क्योंकि बाहर से जो है हमें पैसे काफी ज्यादा आए लोगों को। फॉरेन सेविंग जो है 1.5 थी। डोमेस्टिक सेविंग 6.8 थी। पर कैपिटल इनकम जो है 2019 की है वो $1,355 थी। यानी कि ये हमारी जो है पर कैपिटल इनकम है। पर कैपिटल इनकम जो है एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे आते हैं। फिर GDP डिफ्लेटर 9.1 है। फिर जो है कॉन्स्टेंट प्राइस इंडेक्स 11.2 है। टोटल रेवेन्यू 11.2 और ये परसेंटेज के लिहाज से है। टैक्स रेवेन्यू 8.6 है। नॉन टैक्स जो है 2.6 है। इसी तरह जो है टोटल एक्सपेंडिचर 15.3 थे। करंट एक्सपेंडिचर जो है 13.4। डिफेंस पे 1.9% खर्च हो रहा है। फिर मार्कअप में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, जो हमने बाहर से कर्जे लिए हुए हैं अंदरूनी बैरूनी कर्जे जो है उस पर 4.5% खर्च हो रहा है। अदर 7% खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम बहुत कम करते हैं, 1.8 है। ओवरऑल डेफिसिट 4% है हमारा। डेफिसिट गवर्नमेंट ने जो है ये कम किया था, ये रेशियो जो है 5% से ऊपर थी, ये 4% है। एक्सपोर्ट इसका जो है ग्रोथ रेट 1.4 था। इंपोर्ट का -16.2 है, इंपोर्ट हमारी कम हो गई थी। वर्क रेमिटेंस जो है इसका 6% जो है वो ग्रोथ रेट था। इसी तरह जो है ये एक्सपोर्ट जो है वो 12.5 होगी, इंपोर्ट 5.6 होगी ग्रोथ रेट के लिहाज से। टोटल डेफिसिट जो है 1.1 रह गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट 23.5 है। ये इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक है, अब तो हमारा जो है ये पॉजिटिव जा रहा है। एक्सपेंडिचर हेल्थ पे हम खर्चा कर रहे हैं 1.1। एजुकेशन पे 2.3 खर्च कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 701 बिलियन खर्च करना है उस पर जो है। FBR के जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो 3,300.6 बिलियन रुपीज है। इन्फ्लेशन हमारी 14.6 रही है। एक्सपोर्ट जो है वो $20 बिलियन है, अब डॉलर के लिहाज से अगर इसको देखना है। इंपोर्ट हमारी $36 बिलियन थी, क्योंकि ये
जो इम्पोर्ट है ये 40-50 से नीचे आई है, 36 पे है। फिर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का इकोनॉमिक सर्वे में जो है 2019-20 का डाटा नहीं है, लेकिन 2018-19 का डाटा है। पॉपुलेशन 211.2 मिलियन है, यानी कि 21 करोड़ से ज्यादा आबादी है जी। फिर क्रूड बर्थ रेट 20-26.1 है, डेथ रेट 6.7 है, और जो है इन्फेनेट मोर्टेलिटी रेट 59.7 है। इसी तरह ये जो लेबर फोर्स के बारे में डाटा जो है वो 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे में है, 2019-20 का डाटा नहीं दिया। लेबर फोर्स 65.5 जो है ये मिलियन है, और एम्प्लॉयमेंट जो है 61.7 मिलियन है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3.8 मिलियन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये 5.8 है। इसके अलावा जो है हमारे ऊपर जो है जो डेट जो है, डेट के लिहाज से जो डेटा है जी, यानी कि टोटल पब्लिक डेट जो है वो तकरीबन जो है 35,207 बिलियन रुपीज है, और इसमें जो है डोमेस्टिक डेट जो है वो 22,478 बिलियन रुपीज है, और हमारे पास जो है एक्सटर्नल डेट जो है वो 76.5 बिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर। ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये 265 पर किलोमीटर के लिहाज से है। इसके अलावा जो है कई जो है वो अदाद शुमार मैंने वो जो है वो लिखे हुए हैं, लेकिन जो है फॉर एग्जांपल जो है हमारे जो मुल्क में जो है प्राइमरी स्कूल है ये तकरीबन 1,75,000 है, उसमें मेल के स्कूल जो है ये जो है तकरीबन 98,000 है, फीमेल के 76,000 है। मिडिल स्कूल जो है ये हमारे पास जो है कोई 47,000 से ज्यादा है, मेल के 23,000 है और फीमेल के भी कोई 23,009 है। हाई स्कूल हमारे पास जो है वो 31,000 है, मेल के जो है वो 17 है, फीमेल के जो है वो 13 है। इसी तरह टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये हमारे पास 3,842 है, मेल के 2,621 है, फीमेल के 1,221 है। लिटरेसी रेट जो है हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 60% है, मेल जो है वो 71 है, फीमेल जो है वो 49 है। तो इसी तरह हेल्थ के बारे में भी है, हमारे पास जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है ये तकरीबन 2,33,000 जो है रजिस्टर्ड डॉक्टर है, नर्सें जो है वो 1,12,000 है। इसी तरह डेंटिस्ट जो है वो हमारे पास जो है कोई 25,000 है। हॉस्पिटल हमारे पास जो है पूरे मुल्क में हॉस्पिटल की तादाद 1,279 है, यानी कि 1,279 है। डिस्पेंसरी जो है वो 5 पॉइंट ये जो है वो 7 है 1,000 के लिहाज से। इसी तरह जो है एक्सपेंडिचर और हेल्थ जो है 1.1 है। तो ये बेटा जो स्टैटिस्टिक्स है ये इकोनॉमिक्स के तालबे इल्म के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो इंफॉर्मेशन का इल्म है। इसी तरह हर मुल्क जो है उसका एक डाटा होता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। फिर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसके पास भी जो है वो डाटा होता है। तो ये कम से कम इतना डाटा तो हमें होना चाहिए, यानी कि जो PPSC जिन बच्चों ने जो है वो एग्जाम देने जाना है, अल्लाह उनको कामयाब करे, इसमें से जो है वो 3-4 सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो थैंक्स जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे अभी चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स लाजमी दें। थैंक्स जी, अल्लाह।